जय हिंद, वंदे मातरम। डियर ऑल माय स्टूडेंट, कैसे हो सभी लाडले? हार मानकर ना बैठ, हार मानकर ना बैठ, कांटों में कलियां खिलती है। हार मानकर ना बैठ, कांटों में कलियां खिलती है। अगर सच्ची हो लगन, अगर ईमानदारी से हो लगन, सफलता जरूर मिलती है। देखिए, ये हिंदी के 25 क्वेश्चन का स्पेशल टेस्ट प्रीमियर आप लोगों के लिए होने जा रहा है। मैं देखूंगा, चेक करूंगा कि लास्ट में 25 क्वेश्चन आप लोग करते हो उसमें से आपका कितना सही होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे देने जा रहा हूं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। जवाब दीजिएगा कि प्रियावाची नहीं है। देखो, निर्देश आपको सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रियावाची नहीं है, जो प्रियावाची नहीं है उसका चयन करना है। जो प्रियावाची नहीं है उसका चयन आप लोगों को करना है। तो देखो, समुद्र यहां आपके लिए शब्द है, तो समुद्र का पयोदी, पयोदी किसका है? समुद्र का है। जल्दी समुद्र के में जलद ये नहीं है, ये जलद है, ये बादल का है। बादल बोल सकते हो या मेघ बोल सकते हो। जबकि वारिदी ये भी समुद्र का है। तो यहां भी जवाब आपका कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट, सरस्वती का, सरस्वती का पर्याय वाची नहीं है। वीणा पाणी, महासवेता, भारती, पद्मा। तो देखिए, जो पद्मा है ना, ये सरस्वती का नहीं है, ये लक्ष्मी का है। यहां आपका सी जवाब कंप्लीटली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सूर्य, सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य तो प्रभाकर बिल्कुल, दिनकर बिल्कुल, दिनेश बिल्कुल, ये निशाचर है ना, निशाचर। रात को विचरण कौन करता है? राक्षस करता है। तो निशाचर राक्षस दानव का प्रियावाची है। तो यहां आपका बी जवाब कंप्लीट ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। देखिए, मोटे अक्षरों में दिए गए शब्दों के विलोम का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से करना है। धरा, धरा, धरा का विलोम क्या हो जाएगा? यहां गगन हो जाएगा मेरे लाडलो, धरा का विलोम गगन हो जाएगा। चलिए जोश में क्लास को करिए। इष्ट का विलोम, इष्ट का विलोम आप लोगों को बताना है। इष्ट का विलोम अनिष्ट हो जाएगा। इष्ट, इष्ट का विलोम क्या होगा? अनिष्ट। नेक्स्ट पर आइए, कर्षण, कर्षण का विलोम बताइए। विकर्षण हो जाएगा। नेक्स्ट पर आइए, लेखक का स्त्रीलिंग रूप होगा, लेखक का स्त्रीलिंग रूप होगा, लेखक, लेखिका, लेखिका। तो यहां आपका बी जवाब कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पर, सम्राट का स्त्रीलिंग, सम्राट, सम्राट का स्त्रीलिंग बताइए। साम्राज्ञी होगा, सम्राटी होगा, सम्राटी होगा, या ये तो अशुद्ध है, तो ये साम्राज्ञी होगा। यहां ए जवाब कंप्लीट ठीक है। नेक्स्ट पर आइए, चीटी, चीटी का पुलिंग बताना है। चीटा, चीटी, मादा चीटा या नर चीटी। तो देखिए, चीटी होती है ना, उसका आप लोगों को पर्याय, सॉरी, पुलिंग है, तो वो नर चीटी हो जाएगा, नर चीटी। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 10 नंबर पर आइए, पहचान, पहचान, पहचान का तत्सम बताइए। पहचान क्या होगा? पहचान का तत्सम, पहचान का तत्सम बताइए मेरे लाडलो, क्या होगा? प्रधान, प्रज्ञान होगा, अभिधा होगा, अवधान होगा, या प्रत्यय भी ज्ञान होगा? सभी स्टूडेंट जवाब दीजिए। ए जवाब कंप्लीट है। कितने क्वेश्चन हो गए? टोटली 10 क्वेश्चन हो गए ना।
अपना स्कोर साझा करो। देखिए कमेंट बॉक्स में आपने 10 में से कितना क्वेश्चन ठीक किया है। अभी 25 क्वेश्चन का टेस्ट हो रहा है, बड़ा मजा आएगा आपको। ये हिंदी की स्पेशल टेस्ट वाली क्लास हो रही, आप लोगों के लिए क्लास हो रही, और ये क्लास तब तक चलेगी जब तक बीएसएफ का टेस्ट ना हो जाता। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, आपके लिए बड़ी उपयोगी है। देखिए आप भी हमारा चमत्कारी कोर्स परचेज करना चाहते हो तो गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन ऐप पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इस कोर्स पे अभी आपको 50% तक की छूट उपलब्ध है, हो सकता है ये छूट कम भी हो जाए अगले दिन, ये वीडियो तो आगे भी चलता रहेगा, तो लाइक शेयर में भी कंजूसाई नहीं करें, लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगले क्वेश्चन पर आइए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो द्रिद, दुगद, अतीन, आंसू। आंसू है ना, ये तत्सम नहीं है, यहां डी जवाब हो जाएगा। अगले पर आ जाओ, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम, गहरा, तीखा, अटारी, निकृष्ट, क्या जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का डी जवाब होगा, निकृष्ट, यहां डी कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब, पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा है इसको क्या कहते हैं? ईशान, ईशान दिशा, डी जो स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जिसका जन्म कुछ कुल में हुआ, जिसका जन्म कुछ कुल में हुआ हो उसको क्या कहेंगे? सेठ कहेंगे, धनी कहेंगे, या वैभवशाली कहेंगे, या कुलीन कहेंगे? आप कुलीन बोल सकते हो, अभिजात भी बोल सकते हो। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसको कुलीन या अभिजात कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको क्या कहेंगे? कन्या पुत्र, अवैध पूर्ण, कानिन, कुमारी सूत, क्या कहेंगे? कमेंट करो। अरे उसको कानिन कहेंगे, यहां आप सभी स्टूडेंट का भी जवाब आना चाहिए भैया, आप सभी स्टूडेंट का भी जवाब आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 15 का। वेरी गुड, जो मेरे लाडले भी दे रहे हैं, यू आर राइट आंसर। डियर ऑल माय स्टूडेंट, नेक्स्ट पर आइए, निर्देश देख लीजिएगा कि निम्न वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विदूषक को देखकर दर्शकों ने, विदूषक को देखकर दर्शकों ने क्या किया? परिहास किया, हास किया, अतिहास किया, या अटहास किया? तो बिल्कुल डी जो स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, मोहन ने खालिस्तान से देशभक्ति का संकल्प लिया, मोहन ने उत्सुकता से देशभक्ति का संकल्प लिया, मोहन ने तत्परता से देशभक्ति का संकल्प लिया, मोहन ने प्रियतन से देशभक्ति का संकल्प, मोहन ने दृढ़ता होगा भैया, जो मेरे लाडले दृढ़ता जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल ठीक है, दृढ़ता, दृढ़ता, मोहन ने दृढ़ता से देशभक्ति का संकल्प लिया। और आपको भी बड़े ही दृढ़ता से संकल्प लेना है कि चाहे मैं प्रत्यक्ष रूप से सेवा करूं देश की, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से करूं, मैं मेरे देश की देश सेवा जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक चलेगी मेरी सांसें तब तक मैं देश सेवा करता रहूंगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए, रवि सदा मदन के प्रति कृपा, देखो लिखो कृपा रहेगा गलत हो जाएगा, उपकृत रहेगा गलत हो जाएगा, कर्मठ रहेगा यह भी गलत है। रवि सदा मोहन के प्रति कृतज्ञ रहेगा, यहां आपका बी जवाब कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, दिए गए प्रश्नों में चार चार वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य सही है और सही वाक्य का आपको चुनाव करना है। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यह है एक शालीन समस्या है, गलत हो गया। पानी का अभाव चिंतनीय है, गलत हो गया। दाल का अभाव चिंताजनक है, चिंताजनक है, यह भी मिसप्रिंट है। समाज में लंबी अंधविश्वासी नहीं है,
दाल का भाव चिंताजनक है, ये मिस प्रिंट है थोड़ा सा, ये यहां चिंताजनक ही होगा, चिंताजनक हो गया, चिंताजनक हो गया, जनक सॉरी, तो यहां आप लोग सी जवाब कर लीजिए, चिंताजनक है। ठीक, नेक्स्ट पर आ जाओ, 20 पर। दिए गए प्रश्नों में चार चार वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य सही है और सही वाक्य का आपको चुनाव करना है। वह कुर्ता 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 डालकर गया, कुर्ता नहीं होता। वह पगड़ी ओढ़ कर आया, ओढ़ता नहीं पगड़ी, पहनता जाता है। वह घना अंधेरा घिरा, छोटी उम्र में शिक्षा पाने के लिए, यहां डी जवाब हो जाएगा। 20 हो गए कंप्लीटली, अरे 20 कंप्लीट हो गए ना तो स्कोर साझा कर दो, देखे तुरंत प्रभाव से क्या स्कोर है आपका, 20 में से कितना सही कर पाए हुआ जल्दी बताइए कमेंट करके। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21। जो संसार का संहार करता है, जो संसार का संहार करता है उसको संहारक कहेंगे, विश्व संहारक कहेंगे, विनाशक कहेंगे या मोचक कहेंगे, जो पूरे संसार का संहार करता है उसको विश्व संहारक कहेंगे। यहां बिल्कुल राइट है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। किसी सत्ता के विरुद्ध, किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलन, आंदोलनात्मक आग्रह, सत्याग्रह, अप्रीग्रह, आंदोलन या हड़ताल, किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलन कहलाएगा सत्याग्रह। जो मेरे लाडले ए जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल ठीक है, ये स्पेशल टेस्ट आप लोगों के बीच होने जा रहा है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन। जो सदा साथ रहने वाला हो उसको कहेंगे सनातन, सहयोगी, घनिष्ठ, आत्मिक। जो सदा साथ रहने वाला होता है ना उसको कहेंगे सनातन। यहां ए जवाब कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24। जो अपनी पत्नी के साथ हो, जो अपनी पत्नी के साथ हो उसको कहेंगे सपत्नी। यहां सी जवाब है। और ये लीजिए आज का लास्ट क्वेश्चन, अनुरिक्त न रहने की अवस्था या भाव को कहेंगे विरिक्त। ए जवाब कंप्लीट है। 25 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, ये प्रीमियर क्लास आप लोगों को कैसी लगी? चैनल पर जो नए स्टूडेंट आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, भरोसा रखिए ऐसी ही क्लासेस रोज रात आपको 9 बजे मिलती रहेंगी। रोजाना अपनी क्लास होती है 8 बजे जीके, 9 बजे हिंदी। इसी प्रकार के रोज क्लासें लेने के लिए अभी जुड़ जाइए चैनल से, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।